नमस्कार किसान भाइयों आप सभी का स्वागत है आपके खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में किसान भाइयों एक शब्द आता है उर्वरता मृदा की उर्वरता है क्या मृदा की उर्वरता है उसकी पैदा करने की क्षमता अब मृदा की उर्वरता को कैसे बढ़ाएं इसी से संबंधित है हमारा आज का विषय मृदा में पोषक तत्व प्रबंधन और विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राघवेंद्र सह सिसोदिया आप मृदा वैज्ञानिक हैं कृषि महाविद्यालय है, टीकमगढ़ में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर साहब हमारे किसान भाइयों का मार्गदर्शन कीजिए क्योंकि थोड़ी सी समसामयिक की बात कर लेते हैं खरीफ की फसलों की कटाई की तैयारी है तो ऐसे में ये नरवाई और पराली क्या है बताइए नरवाई आप जैसा सब लोग जानते हैं कि जो फसल अवशेष होते हैं जैसे में डंठल होता है पत्ती होती हैं और भूसा होता है इसको नरवाई कहा जाता है ये हमारे यहाँ ज़्यादातर प्रदेश में और देश में ख़ासकर जहाँ धान और गेहूं की फसलें लगाई जाती हैं उस जगह पर किसान क्या करता है कि फसल कटने के बाद उसमें अगली फसल उसको जल्दी लेनी है समय रहता नहीं है समय के अभाव में वो जो फसल के अवशेष हैं जिसको हम नरवाई कहते हैं उसको वो जला देता है और जलाने से क्या होता है कि एक तो हमारा जो पोषक तत्व है वो उनकी हानि होती है दूसरा जो सूक्ष्म जीव है जो हमारे लाभदायक जीव हैं वो हानि उनमें भी होती है और इसका नतीजा ये रहता है कि हमारी जो ज़मीन है उसकी परत जो हार्ड हो जाती है मतलब टाइट हो जाती है वो तो उसमें मृदा का जो वायु संचार है सूक्ष्म जीव है ये बहुत सारे जो हैं ये इनकी कमी आ जाती है और उसको किसान भाई से हमारा ये है कि आज अगर आपको एक महीने का समय मिल रहा है दूसरी फसल के बीच में एक फसल से दूसरी फसल के बीच में तो वो नरवाई को बिल्कुल न जलाएं, उसके बहुत सारे उपाय हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे अभी हमारे यहाँ खुद जवाहरलाल नेहरू के विश्वविद्यालय में जबलपुर में एक डिकम्पोजर आता है जी। और महंगा भी नहीं है बहुत सस्ता है वो आप ला के और बहुत जगह से है गाजियाबाद में है गाजियाबाद जो जैविक खाद अनुसंधान केंद्र है वहाँ पे भी उपलब्ध रहते हैं बीस रुपये का पैकेट आता है मात्र कोई महंगा नहीं है उसको ला के हम जो है उससे जो हमारा फसल अवशेष है वो एक महीने के अंदर उसको डिकम्पोज कर सकता है जैस उसका कैसे तैयार करते हैं इसको उसका पैकेट ला के आप एक प्लास्टिक के टम में 200 लीटर पानी लीजिए और उसमें दो किलो गुड़ मिला दीजिए और उसको दिन में तीन बार मिलाते रहिए डंडे की डंडे की सहायता से जिससे वो मिक्सअप हो जाए मिक्सअप होने के बाद उसको सात दिन तक छोड़ते हैं ऐसे डेली दो तीन बार उसको मिक्सअप करते रहते हैं डंडे से और रख देते दे। हैं सात दिन बाद आप छिड़क दीजिए पाँच पाँच दिन के अंतराल से तीन बार आपको छिड़कना है और अगर सिंचाई की सुविधा है तो आप हल्की सी सिंचाई करके उसमें उसमें नाली में उसको छोड़ दें वो पूरे खेत में जो है धीमे धीमे पहुंच जाएगा उससे क्या होगा जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी संख्या में वृद्धि होगी और सूक्ष्म जीवाणु ही जो फसल अवशेष है उसको अपघटित करते हैं शीघ्र अपघटित करते हैं आपने देखा होगा कि पहले हमारे यहाँ जो हम जब जैविक खाद इस्तेमाल करते थे तो खेतों में कैचुआ इतनी बहु बहुत संख्या में पाया जाता था आज जैसे जैसे रसायन खाद हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं उसमें इनकी संख्या में कमी हुई है तो हम आपको यही कहेंगे कि नरवाई ना जलाएं डॉक्टर नरवाई ना जलाएं बिल्कुल बिल्कुल तो किसान भाइयों हमें ये याद रखना है नरवाई जलाने से या पराली जलाने से मृदा में जो सूक्ष्म तत्व है और डॉक्टर साहब ये हमारी मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं ऐसे में हमारे किसान भाइयों के ये मित्र हैं सूक्ष्म जीप तो यदि हम नरवाई जलाएंगे पराली जलाएंगे तो हम एक तरह से हमारे मृत हमारे जो मित्र हैं उनको ही मार रहे हैं डॉक्टर साहब इसके अलावा जो समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन है इसके बारे में भी हमारे किसान भाइयों का मार्गदर्शन कीजिए समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन यानी किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ जैसे हम लोग पहले किसानों को बोलते थे कि भाई आप रासायनिक खाद डालिए ये बात है साठ के दशक की जब हरित क्रांति आई थी अपने देश में उस समय जो हाईल्डिंग वैरायटी आई रासायनिक खाद का उपयोग शुरू हुआ तो किसान को बोला जाता था कि आप खाद डालिए किसान कहता था कि नहीं नहीं इससे हमारी ज़मीन जो है ख़राब हो जाएगी और बता सकते ये तो ज़मीन को बंजर बना देगी आज जब कह रहे हैं कि हम आप समन्वित तो पोषक तत्व प्रबंधन कीजिए जैविक खेती कीजिए समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन का मतलब ये होता है कि आप जो हमारे पौधों को फसल को जो जरूरत होती है सत्रह पोषक तत्व तो जो आवश्यक कहलाते हैं उनकी पूर्ति करने के लिए कम से कम पचास पचास परसेंट का ऑर्गेनिक खाद और रासायनिक खाद का रेशियो रखिए उससे आपकी जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और जो फसल की गुणवत्ता है उसमें भी वृद्धि होगी इसलिए किसान भाइयों आप समृद्ध पोषक तत्व प्रबंधन का उपयोग करें जो हमारी फसल अवशेष हैं उनके बहुत सारे विकल्प हैं बर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं उनमें कंपोस्ट बना सकते हैं और उनको आप जैसे आप सभी जानते हैं कि जैसे मैंने 50-50 परसेंट -50 रासायनिक और कार्बनिक खाद का बताया है उसमें ये नहीं है कि एक बोरा डी का ले लिया और एक बोरा गोबर खाद या बर्मी कंपोस्ट, ना इसका तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार हम 120 केजी नाइट्रोजन गेहूं के लिए पर हेक्टेयर जरूरत पड़ती है जी। तो उसमें हम कम से कम 60 केजी जो नाइट्रोजन है वो रासायनिक फर्टिलाइजर से दें और 50 परसेंट जो जो यानी 60 किलो जो नाइट्रोजन है वो कार्बनिक खादों से दी जाए तो उस... डॉक्टर साहब आपका कहने का मतलब ये है हमारे किसान भाइयों को आप ये समझाना चाहते हैं कि केवल रसायनों का प्रयोग करेंगे तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है जी उसकी संरचना खराब हो रही है ऐसे में कार्बनिक खादों का और रसायनों का दोनों का प्रयोग करना है डॉक्टर साहब आपने मिश्रण का मना किया है मिश्रण इस तरह से नहीं कि हमने रासायनिक खाद के साथ कार्बनिक खाद को मिला दिया बल्कि दोनों का प्रयोग करना है और इस तरह से प्रयोग करना है कि मिट्टी की ओर शक्ति बढ़ती जाए डॉक्टर साहब क्यों इतना ज़रूरी है ये इसलिए ज़रूरत है हमारे पर्यावरण के लिए भी और हमारी जो ज़मीन जिस खेती जिसमें हम करते हैं उसके लिए भी बहुत जरूरी है होता क्या है कि हम लगातार जो रासायनिक खाद उपयोग में ला रहे हैं उससे हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म होती जा रही है एक कितना भी हम खाद दे दें कितना भी हम अच्छी वैरायटी लगा लें लेकिन एक स्थिरता आ गई है पैदावार में उस स्थिरता को कैसे ख़त्म करना है उसको स्थिरता को कैसे आगे बढ़ाना है बढ़ती हुई जनसंख्या है आज हमारे पास सबसे बड़ा कारण अब इसकी खाद्यान्न पूर्ति कैसे की जाएगी पूर्ति के लिए ये प्रयोगों में सिद्ध हो चुका है कि 50% परसेंट आप रासायनिक खाद और पचास परसेंट आप कार्बनिक खाद का उपयोग करेंगे होता क्या है कि हमने जब 60 के दशक में केवल हम नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग करते थे फिर धीमे 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 हम लोग फास्फोरस और पोटास तक ही पहुँचे हैं जबकि आपको सबको पता है कि आवश्यक पोषक तत्वों में सत्रह तत्व हैं सत्रह तत्वों की कमी क्यों हुई इनको आवश्यक में क्यों रखा गया कि जिन चीज़ों की कमी होती गई अब आज की डेट में आपको सबको पता है हमारे यहाँ ज़मीनों में सल्फ़र की जिंक की इनकी विशेष कमी है क्यों? कि हम जहाँ तिलहनी एरिया है जहाँ हम तिलहन की फसल लेते हैं वहाँ हम सल्फर प्रयोग में ला ही नहीं रहे हैं क्या है? डीएपी का जब से किसान इस्तेमाल कर रहा है उस पहले क्या है हमारे किसान भाई फास्फेट प्रयोग में लाते थे उससे हमारे खेत को सल्फ़र भी मिलती थी लेकिन आज हम डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें डीएपी में केवल दो ही तत्व पाए जाते हैं नाइट्रोजन और पास पास पास। और उसकी कमी जो जमीनों में हुई हमारे यहाँ जो अनुसंधान किए गए जगह जगह मृदा परीक्षण किए गए उसमें पाया गया कि जहाँ तिलहनी एरिया है जिसमें सोयाबीन हो तेल हो सल्फर सल... की कमी डॉक्टर साहब आप कहना देखी गई है डॉक्टर साहब और किसान भाइयों फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं चर्चा जारी रहेगी अरे सुन तो मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो मेरी स्वातन को किसको अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं है? अच्छा ये बात है <laughs> आ, अब बात नहीं होती क्या अब तो झट से बात हो जाती है संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए छह उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है एफ के गोरखपुर सिंदरी तलचर और रामागुंडम संयंत्र एच की बरौनी इकाई और बीवी की नामरू फोर्थ सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा अनाज का उत्पादन 10 फीसदी तक बढ़ेगा बढ़ेगी 10 से 15 फीसदी नाइट्रोजन क्षमता किसान भाइयों एक बार फिर से आपका स्वागत है कृषि दर्शन के कार्यक्रम में डॉक्टर सिसोदिया हमारे साथ है और हम बात कर रहे थे समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन की डॉक्टर साहब आपने ब्रेक से पहले हमारे किसान भाइयों को बताया कि डीएपी का जैसे प्रयोग हमारे किसान भाई कर रहे हैं तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तो मिट्टी में हो गया लेकिन बाकी तत्वों की कमी होती जा रही है तो ये जो समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन है सत्रह तत्वों की आपने बात की तो क्या ये पोषक तत्व प्रबंधन समन्वित सारे के सारे तत्व जो मिट्टी में जरूरी है फसलों के लिए जरूरी है मिल पाते हैं बिल्कुल मिल पाते हैं ये मिल जब ही पाएंगे जब आप रासायनिक खाद के साथ साथ कार्बनिक खादों का उपयोग करेंगे कार्बनिक खाद में तत्व बहुत सारे होते हैं लेकिन सूक्ष्म मात्रा में होते हैं और उसका कारण ये है कि जो माइक्रो माइक्रोन्यूट्रियट हैं जिसको सूक्ष्म तत्व बोलते हैं उनकी अल्प मात्रा में ही जरूरत पड़ती है केवल हमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की ही ज़्यादा इसलिए इनको मुख्य तत्वों में रखा गया है जी इनकी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है ज़्यादा मात्रा में मा आवश्यकता पड़ती है सूक्ष्म पोषक तत्व जो है इनकी कम मात्रा में मा आवश्यकता और ये कहाँ से मिलेंगे ये आपको कार्बनिक खाद से ही मिलेंगे अगर हम लगातार खेत में कार्बनिक खाद का उपयोग करें अब किसान भाई क्या है आजकल जो मशीनीकरण का युग आ गया है जी तो उसमें हमारे जो पहले बैल होते थे पशु होते थे उनसे हरी खाद गोबर की खाद मिलती थी बिल्कुल अब वो मैं जानता हूँ अधिकांश जगहों में गाँव में देखा होगा आपने बैल है नहीं बिल्कुल डॉक्टर साहब पशुओं की संख्या कम होती जा रही है लेकिन फिर भी उसके अलावा भी बहुत सारे विकल्प हैं जी जिनको हम उपयोग कर सकते हैं और अधिक लाभ ले सकते हैं और अपनी जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं और स्थिरता मतलब जो एक आ गई है अभी जमीन में पैदावार में उसको हमें कैसे खत्म करना है वो विकल्प यही है हमारा कि हम कार्बनिक खाद का बिल्कुल सही मात्रा में मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए रासायनिक का और कार्बनिक खाद का तभी हम अच्छा लाभ ले सकते हैं और अपने पर्यावरण को और अपने स्वास्थ्य को भी मनुष्य आप देखते होंगे देखिए एक चीज़ बताता हूँ मैं जी हमारे यहाँ पहले बहुत सारी दवाएं चलती थी आज बैन क्यों है <laughs> बैन इसलिए हैं कि उनका इफेक्ट जो है क्रॉप पे आता था और क्रॉप को हम लोग खाते हैं चाहे वो दाना सही चाहे वो उसके पत्ते सही पत्ते को खा रहा है पशु और पशु के थ्रू दूध के थ्रू हमारे ह्यूमन में आ रहा है तो उसमें बहुत सारी बीमारियां आज जो गंभीर होती जा रही हैं उनको भी कम किया जा सकता है इसलिए हमारी जो सरकार है वो जैविक खेती पे और इंटीग्रेटेड मैंने यानी समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन पे विशेषकर ध्यान दे रही है अगर हम जैविक 100 परसेंट हो जाएंगे वो भी एक विकल्प नहीं हो सकता है जी। लेकिन आपका कार्बनिक और रासायनिक का दोनों का मिश्रण मिश्रण ये बहुत कारगर है और कई जगह देखा गया है इसमें कम से कम 10 से 15 परसेंट की वृद्धि देखी गई है पैदावार में और हमारे सूक्ष्म जीवाणुओं में तो इसको हमें दोनों को उपयोग करना है तो डॉक्टर साहब मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाती है साथ में पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता है ये सारे समन्वित पोषक तत्व तो प्रबंधन के फायदे हैं डॉक्टर साहब हम मिट्टी की बात कर रहे हैं मिट्टी में पोषक तत्वों तो की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से वो गुड़ है मिट्टी के भौतिक गुड़ हैं जिनमें सुधार होता है समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन बिल्कुल सही बात है जैसे आप सभी जानते हैं और रासायनिक खाद देने से मैंने बताया जमीन जो है हार्ड हो जाती है और उसमें एयरसन रुक जाता है अगर यही इसी की जगह हम कार्बन खाद डालते हैं ज़मीन में तो उसमें जो है हमारा वायु संचार बढ़ता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो वाटर को जमीन में पानी को रोकने की क्षमता वो बढ़ती है सूक्ष्म जीवाणु जब जीवाणु तो जब ही मिलेंगे ज़मीन में जब उनको भोजन मिलेगा वो भोजन क्या है उनका ऑर्गेनिक मैटर जो कार्बनिक खादें हैं वो ही उनका भोजन है जब ही वो रह पाएंगे जब हम वो चीज ज़मीन में देंगे नहीं तो वो कहाँ से रहेंगे तो इसलिए हमें उनको जो कार्बनिक खादें हैं वो समय समय पे देती रहनी चाहिए अब इसके विकल्प बहुत सारे हरी खाद है हरी खाद एक तीस पैंतीस दिन में तैयार हो जाती है अरे उसको हम दे सकते हैं बर्मी कंपोस्ट है नाढे बना के हम तैयार कर सकते हैं और आज के टाइम में तो मैंने बताया ना बहुत सारे डिकम्पोजर आ गए बहुत अति शीघ्र से शीघ्र खाद तैयार कर सकते हैं और उसका हम लाभ ले सकते हैं यही मैं किसानों से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप समन्वित, समन्वित पोषक पो सक... हो पो सकता तो प्रबंधन प्रबंधन करें।, करें।, करें तो डॉक्टर साहब आपने जैसा कि बताया यदि हमारे किसान भाई समन्वित पोषक तत्व तो प्रबंधन करेंगे तो उर्वरता भी बढ़ेगी और साथ में कई बार किसान भाइयों के दिमाग में सवाल आता है कि क्या हम एक दम से यदि जैविक की तरफ चले गए तो कहीं नुकसान ना हो जाए आर्थिक रूप से हानि ना हो जाए आ, तो इन सब बातों को यदि हम ध्यान में रखें हमारे किसान भाई ध्यान में रखें तो एक बहुत अच्छा विकल्प है समन्वित पोषक तत्व तो प्रबंधन डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों का मार्गदर्शन किया आज हमारे किसान भाई समझ चुके हैं कि समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन क्या है और कैसे वह इसको अपना सकते हैं किसान भाइयों फिलहाल वक्त हो गया है खबरें खेती की नमस्कार किसान भाइयों बहुत स्वागत है आपका खबरें खेती में शुरुआत करेंगे प्रमुख समाचारों के साथ कृषि पाठ्यक्रम से जुड़ेगी प्राकृतिक खेती बीजोपचार कर करें चने की बुआई रबी फसलों में जल प्रबंधन के उपाय अलसी में समन्वित रोग प्रबंधन और दुधारू पशुओं को थनेला रोग से बचाए और आइए अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से कृषि पाठ्यक्रम में जुड़ेगी प्राकृतिक खेती प्राकृतिक खेती और डिजिटल कृषि अभियान चलाकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को सुरक्षित स्वरूप में छोड़ पाएंगे मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती की दिशा में 2021 से कार्य प्रारंभ हुआ और अब तक उनसठ हजार से अधिक किसान इस अभियान में जुड़ चुके हैं डिजिटल कृषि में क्रॉप सर्वे रेफरेंस रजिस्ट्री फार्मर रजिस्ट्री और पीएम किसान डाटा बेस का उपयोग कर प्रदेश के किसानों के हित में कार्य किया जा रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में प्राकृतिक खेती और डिजिटल कृषि पर हुई बैठक में ये बात कही कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित मणिपुर असम गोवा गुजरात कर्नाटक महाराष्ट्र त्रिपुरा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ ही हिमाचल प्रदेश हरियाणा एवं अरुणाचल प्रदेश के कृषि मंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में प्राकृतिक खेती और डिजिटल कृषि क्षेत्र में संचालित गतिविधियों की जानकारी दी इस मौके पर श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को प्रोत्साहन और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग कामला लगातार किसानों से संपर्क में है कृषि पाठ्यक्रमों में स्नातक और स्नातकोत्तर कर रहे विद्यार्थियों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जा रहा है चने की बुआई से पहले बीजोपचार अवश्य करें जिससे मृदा तथा बीज जनित रोगों का संकट कम होगा इसके लिए चार ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी एक ग्राम विटावैक्स पाँच ग्राम राइजोबियम कल्चर पाँच ग्राम पीएसबी कल्चर तथा एक ग्राम मोलीबडेनियम से प्रति किलो बीज का उपचार करना चाहिए चने की बुआई के लिए देसी चना छोटे दाने के लिए 70 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर व देसी चना बड़े दाने के लिए 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा काबुली चना 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करें चने की बुआई का उपयुक्त समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर है रवि फसलों में जल प्रबंधन के उपाय रबी मौसम की प्रमुख फसलों में गेहूं चना सरसों मसूर इत्यादि में क्रांतिक अवस्थाओं में सिंचाइयाँ करना फ़ायदेमंद होता है गेहूं की फसल में पहली सिंचाई बोनी के 20 से 25 दिन बाद किरीट जड़ें या क्राउन रूट्स निकलने की अवस्था में दूसरी सिंचाई बोनी के 40 से 45 दिनों के बाद कल्ले निकलने की अवस्था में करें तीसरी सिंचाई गर्भावस्था में बोनी के 60 से 65 दिनों बाद चौथी सिंचाई बालियां निकलने की अवस्था में बोनी के 80 के पिचासी दिन बाद करना लाभदायक रहता है पांचवी सिंचाई बोनी के लगभग सौ दिन बाद फूल की अवस्था में एवं छठवी सिंचाई दानों में दूध भरने की अवस्था में बोनी के एक दिनों बाद करें कम सिंचाइयाँ उपलब्ध होने पर पहली सिंचाई कीरीट जड़ें निकलने की अवस्था में दूसरी सिंचाई गर्भावस्था में एवं तीसरी सिंचाई दानों में दूध भरने की अवस्था में करना चाहिए चने एवं मसूर की फसल में पहली सिंचाई एवं दूसरी सिंचाई दाने भरने की अवस्था में करें सरसों की फसल में पहली सिंचाई बढ़वार की अवस्था में बोनी के तीस दिनों के बाद एवं दूसरी सिंचाई फलियों में दाने भरने की अवस्था में करना फायदेमंद रहता है अलसी में समन्वित रोग प्रबंधन अलसी की फसल में समन्वित रोग प्रबंधन अपनाने से उत्पादन में वृद्धि पाई गई है खेत की जुताई से पहले फसल अवशेषों को इकट्ठा कर जला देना चाहिए मिट्टी में रोगजनकों के निवेश को कम करने के लिए दो से तीन वर्ष का फसल चक्र अपनाना चाहिए अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर नवंबर के मध्य तक बुआई कर देना चाहिए बीजों में बुआई से पहले कार्बनडाइजिम तीन ग्राम मात्रा में प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए फसलों पर रोग के लक्षण दिखाई देते ही आई प्रोडिजोन शून्य दशमलव दो प्रतिशत तथा मैंकोजेब शून्य दशमलव दो पाँच प्रतिशत अथवा कार्बेंडाजिम बारह प्रतिशत मैंकोजेब तिरसठ प्रतिशत की दो ग्राम प्रति लीटर की मात्रा के हिसाब से परणीय छिड़काव करना चाहिए अलसी में चुर्निल आसेता रोग के लक्षण दिखाई देने पर सेल्फक्स अथवा कार्बन डाइजिम दो ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के जलीय घोल का पर छिड़काव होता है पालक की उन्नत खेती एक हेक्टेयर क्षेत्र में पालक बुआई के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है बुआई का मुख्य समय अक्टूबर नवंबर है लेकिन इसकी बुआई लगभग पूरे वर्ष कर सकते हैं बीज को प्रायः समतल खेत में छिटकवा बीज से बोते हैं परंतु पंक्तियों में बोना अधिक लाभप्रद होता है इस विधि से पंक्तियों की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोते हैं बीज जमने के बाद पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर रखते हैं बीज की बुआई के समय पर्याप्त नमी होना आवश्यक है पहली सिंचाई बीज जमने के बाद करते हैं और बाद की सिंचाइयाँ दस से पंद्रह दिन के अंतराल पर करते हैं पालक की उन्नत किस्में आलग्रीन पूसा हरित पूसा ज्योति जोबिनर ग्रीन पंत कंपोजिट एक एच एस तेईस से अधिकतम लाभ कमाया जा सकता है दुधारू पशुओं को थनेला रोग से बचाएं। दुधारू पशुओं में थनेला रोग होने के बाद से उपचार से उसके पहले ही रोकथाम करना बेहद अच्छा उपाय होता है समय समय पर पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए थनेला रोग के कारण उत्पन्न हुई सूजन को कम करने हेतु उस पर बर्फ या शीतल जल का उपयोग करना लाभदायक हो सकता है मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग पानी के साथ आयन पर करना चाहिए कई प्रकार की औषधियाँ जैसे कि पेडिसन मेमिटेल टेरामाइसिन, एम्पीसिलिन आदि उपयोग की जा सकती है इनका उपयोग रोगग्रस्त थनों से दूध निकालकर उनके अंदर प्रवेश करवाकर किया जाता है एवं हल्की मालिश से ये संपूर्ण आयन के भीतर फैल जाती हैं। थनों को समय समय पर लाल दवा से धोते रहना चाहिए दूध दुहने के स्थान एवं दुहने वाले व्यक्ति की स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए और इसी के साथ खबरें खेती में आज के लिए इतना ही मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार